जैसे माँ को अपनी संतान बहुत प्रिय होती है, ऐसे प्रभु को उनके भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं। भक्त और अभक्त की परिभाषा बताता हूं। जैसे चलो जितने भी लोग सत्संग में आते तो सब भक्त नहीं होते। भक्त उनको कहते हैं जो उठत बैठत जागत सोवत ऐसी तारी लागी, ऐसी लगनी के अंदर प्रभु जैसे चलाना चाहते हैं इस तरह से चलते हैं, उस तरह से रहते हैं, जो प्रभु के लिए जीते हो, जिनके अंदर भक्ति हो, जिनके अंदर अनन्य प्रेम हो, और वो भूल से प्रभु के नियम को तोड़ते नहीं है, प्रभु को नियम, प्रभु के नियम का पालन करने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, अनन्य आश्रित, एक प्रभु के अलावा वो किसी का चिंतन न करे, वो भक्त है। प्रभु के प्रेम के लिए जीता हो वो भक्त है। प्रभु से वो कुछ मांगता ही ना हो वो भक्त है। प्रभु अगर ना मिले तो जलबिन मछली की तरह तड़प तड़प के मर जाए वो भक्त है। और प्रभु के नियम को खुद के जान से भी ज्यादा मानकर उस नियमों का पालन करे। क्यों? अगर प्रभु की एक पल की रुसवाई भी उनको बर्दाश्त नहीं होती वो भक्त है। और प्रभु जिनको स्नेह करे, ऐसे व्यक्ति होते प्रभु उनको स्नेह करते हैं। जैसे पूरी संगत आती है सबको स्नेह तो होता है, पर जो भक्त होते हैं उनको विशेष स्नेह इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने भक्ति बीज को उगाया। आप ये क्रिकेट एसोसिएशन होता है तो उसमें जितने भी क्रिकेटर्स, जो जितने भी लड़के क्रिकेट सीखने के लिए आते तो क्या सबको क्रिकेट खेलने के लिए भेजा जाता है? नहीं। जिन्होंने क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने के बाद तनतोड़ मेहनत की है और उन्होंने एक खुद को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है अच्छे स्कोर के द्वारा, तो क्रिकेट बोर्ड उनको प्रमोट करती है, उनको प्रोत्साहित करती है, उनका विशेष ध्यान रखती है, उनकी फैसिलिटी देना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि तो आगे जाके वो देश का नाम उजागर करेंगे। इसी तरह से जो ऐसे भक्त है जो भक्ति के पीछे तनतोड़ मेहनत करते हैं, जिनका जीवन ही भक्ति हो गया, जिनका जीवन ही प्रभु हो गया और प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए हर एक प्रकार का त्याग करते हैं, मन को कुचल डालते हैं, इंद्रजीत होते हैं, ऐसे लोग तो वहां विशेष ध्यान दिया जाता है। होता है ऐसा, जब किसी क्रिकेटर को आगे प्रमोट किया जाता है तो दूसरे लोग बोलते हैं देखो ये तो पार्सलिटी हो गई, कुछ पैसे खिलाए हो गए, अरे कुछ ना कुछ होगा दीस दे, पर वहां वो व्यक्ति अपनी गलती का ध्यान नहीं देता। एक बात बताता हूं, हीरा होता है उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही चमकता है। और उस हीरे को छोड़कर किसी ने कांच का टुकड़ा उठाया तो लोग उस जौहरी को गधा कहेंगे कि ये जौहरी नहीं गधा है। क्यों? क्योंकि हीरा छोड़कर कांच उठा के लाया। इस तरह से सच्चे गुरु होते हैं वो जौहरी होते, कांच का टुकड़ा नहीं उठाएंगे। अगर कांच का टुकड़ा उठा दिया तो वो गुरु नहीं रहते, बशर्ते कांच के टुकड़े न रहकर हीरा बनना सीखो। दोष लगाना तो बड़ा आसान है, पर कहा जाता है दोष लगाने से अच्छा है खुद को दोषों से परे बना दो। खुद ऐसे बनो कि तुम्हारे दर्शन से लोग अपने दोष को धो सके, तो क्या बात है। तो और कहा जाता है कि अगर तुम प्रभु के भक्त का अपराध करते हो तो वो भी प्रभु के अपराध करने के बराबर ही है। यह हकीकत है, अगर तुम प्रभु के भक्त का अपराध करते हो वो भी प्रभु के अपराध करने के बराबर है, क्योंकि वो भक्त नहीं था, वो प्रभु का अंग था, और प्रभु के अंग का अपराध करना वो भी प्रभु का ही अपराध करना। जैसे आप किसी को मिलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हो तो आपके हाथ को कोई ऐसे हटा देता है थप्पड़ लगाकर, तो आपके तो नहीं हो, तो मेरे हाथ को मारा, मुझे नहीं मारा, ऐसा आप कहते हो? आप वही कहते हो कि देखो मुझे निग्लेक्ट किया। सेम वे कोई अगर प्रभु का अंग बन चुका है वो प्रभु ही है, तो वह प्रभु के भक्तों का अपराध ना करे। जिसे प्रहलाद का अपमान होता था तो वो भगवान का अपमान होता था, वो बराबर था। मीरा को सताया गया था तो वो कृष्ण को सताने के बराबर ही था। ये हमेशा याद रखना।
इसीलिए तो हमेशा प्रभु कहते हैं कि मैं भक्त के मुख से भोजन ग्रहण करता हूं, अगर कोई मुझे कुछ देना चाहे तो मेरे भक्त को दे, मैं भक्त के द्वारा ही सब कुछ ग्रहण करता हूं। ये बात हमेशा ध्यान रखें।